गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे हृदय सम्राट गड़गड़वासी अनंत श्री भूषित अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी मंचस्थ मेरे श्री गुरु दरबार का आदरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत समाज व गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित सदग्रस्त बिंद मेरी माताएं मेरी बहनें, एक बार सभी उच्च स्वर में श्री गुरु महाराज जी का जयकारा लगाइए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जयकारे की आवाज कम है, एक बार फिर मिलकर सभी ने जैसे हाथ ऊंचे किए जयकारे की आवाज भी ऊंची कर दो। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूंगा श्री नंगली दरबार सेवा समिति मुजफ्फरनगर व खतौली के हमारे जितने भी भक्त हैं। ये बड़ा ही उनका सुंदर प्रयास है जो हर साल यहाँ मुजफ्फरनगर में खतौली में बारी बारी से मिलजुल कर श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका बजा रहे हैं। प्रेमियों मेरे श्री नंगली निवासी भगवान उनकी महिमा इतनी अनंत है कि जुबान बहुत छोटी है, उनके बारे में एक लाइन कही जा सकती है कि प्रभु तुम अणु से हो सूक्ष्म। अणु आप जानते हो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना बारीक होता है। प्रभु तुम अणु से हो सूक्ष्म और प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल हो। मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल हो। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान ऐसे ही बेमिसाल हैं, जिन्होंने साक्षात समझा उनके लिए साक्षात हैं और जो फोटो समझकर उनकी आरतियां बेंतियां करते हैं उनके लिए वो फोटो ही हैं। ये उनके मुखारविंद से निकले हुए उनके पावन वचन हैं कि जो मुझे फोटो समझेंगे नहीं उनके लिए फोटो हूं और जो मुझे साक्षात समझेंगे नहीं उनके लिए साक्षात हूं। उनके ये पावन वचन के श्री नंगली साहब में और जहां जहां पर भी मेरी आरती होगी हमारे श्री गुरु दरबार के सभी प्रतिष्ठित संत इस बात को हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि देखो घर में सुबह और शाम आरती जरूर किया करो, उसके पीछे एक रहस्य यही है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी के ये वचन है नंगली निवासी भगवान के कि जब भी मेरी आरती होती है वहां मैं साक्षात होता हूं। उन्होंने स्वयं कहा है इस बात को, श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं और मैं ही करूंगा। अच्छा ये बात पहले किसने कही बताया आपको, भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने ये बात कही और यह श्री गुरु महाराज जी ने कही। अब ईसाई तो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मुसलमान कहते हैं कि मैं खुदा का पैगंबर हूं और श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा मैं ईश्वर हूं मैं खुदा हूं। ये किसी दूसरे ने नहीं कहा। प्रेमियों श्री गुरु महाराज जी क्या है, उनकी हस्ती क्या है, ये जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग भजन करते हैं, जो लोग सिमरन करते हैं वो शायद देख पाते होंगे, क्योंकि इन आंखों से
वो चीज दिखाई नहीं देती। इन आंखों से जो सामने है केवल वही दिखाई देगा, दूसरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आंखें बंद हो जाती हैं तो प्रेमियों फिर वो दिखाई देता है जो खुली आंखों से कभी दिखाई दे नहीं सकता। जीवन में आपने बहुत सारे प्रसंग सुने होंगे। एक प्रसंग है कि सीता जी को पूजने के लिए जब हनुमान जी की टीम निकली तो एक महीना हो गया खोजते खोजते, लेकिन सीता जी नहीं मिली। थके हारे प्यासे भूखे एक कंदरा में चले गए, गुफा में चले गए, और वहां एक साध्वी बैठी है जिसका नाम स्वयं प्रभा है। उसने कहा कि अरे तुम इतने भूखे प्यासे यहां किसकी खोज कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो सारा कुछ बताया कि हम सीता मैया की खोज कर रहे हैं। देवी ने कहा कि बड़े थके हुए हो, लगता है कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं और लगता है सोए भी नहीं। हाथ जोड़े उन्होंने कहा कि माता आप ठीक कह रही हैं, एक महीने से सोकर नहीं देखी, खुली आंखों से खोज रहे हो? बोले हाँ मैया। बोले बंद कर लो, आंख बंद करके बैठो, शायद कुछ पता लग जाए। और प्रेमियों वो जितने भी वानर थे सभी आराम से बैठ गए और आंख बंद कर ली। और जब आंख खुली थोड़ी देर के पश्चात तो सारे के सारे समुद्र के किनारे बैठे थे। ये रामायण का प्रसंग है। सारे के सारे समुद्र के किनारे बैठे थे और वहां चर्चा करने लगे आपस में कि हमसे तो जटायु अच्छा था जो भगवान राम के काम आ गया, सीता मैया को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। और उस बात को उसके भाई संपाति ने सुना और वो नीचे आया। उसने कहा कि तुम किस जटायु की बात करते हो, वो तो मेरा भाई था। और फिर प्रसंग को लंबा नहीं करना है, उसने कहा गीत जो होता है उसकी नजर बहुत तेज होती है। तो उसने जब देखा उसने कहा कि सीता मैया तो अशोक वाटिका में बैठी, सीता मैया अशोक वाटिका में बैठी है। और फिर सीता मैया की खोज आगे जो थी वो भगवान ने की। तो कहने का जो भाव है कि जब तक आंख बंद नहीं होती तब भीतर के जो आपके दृश्य हैं, भीतर की जो यात्रा है प्रेमियों वो भी शुरू नहीं होती। हम बाहर की यात्राएं बहुत करते हैं लेकिन जो अंतर यात्रा है, भीतर की यात्रा है, उसके लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको आंख बंद करके भीतर झांकना पड़ेगा, तभी बात बनेगी प्रेमियों। श्री गुरु महाराज श्री नंगली निवासी भगवान ऐसे ही अनंत ऐसे ही विराट हैं जिनका दर्शन इन आंखों से नहीं किया जा सकता। इसमें तो वही है जो हमारे सामने है। और मैं तो फिर भी बड़ा बड़ा भाग्यशाली समझता हूं उनको कि जिनको वो दर्शन भी होते हैं, जो सुबह शाम उनकी आरती करते हैं। प्रेमियों श्री गुरु महाराज जी का कितना प्रभाव है, कितना असर है, इस बात को आप लोग एक मिनट की बात में समझोगे। एक राजा बड़ा आलसी और उसका वजीर उस राजकाज को देखता है, बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूं। परेशान हो गया वो वजीर क्योंकि राजा संभालता नहीं राजकाज को, और परेशान होके घंटों खड़ा रहता उसके द्वार पे, लेकिन उसके दर्शन नहीं होते राजा के। राजकाज से परेशान होकर उसने कहा इसकी क्या नौकरी करनी इस राजा की। बाहर निकला, कोई ऐसे हमारे महापुरुष मिले। उन्होंने कहा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा बस थक गया हूं इस राजकाज से, राजा संभालता नहीं, सारा बोझ मेरे ऊपर है, बस भक्ति करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं। तो संत ने कहा कि ऐसा है, ये शब्द लो, ये नाम लो और जाकर आनंद लो। बार 6x6 की एक कुटिया बनाई, जाकर बैठ गया। 2 दिन 4 दिन 10 दिन वजीर भी चला गया, अफरा तफरी मच गई राजकाज में। राजा संभाल नहीं रहा, वो शबाब कबाब में है, और वजीर भी छोड़कर चला गया, अफरा तफरी मची। सब इकट्ठा होकर मंत्रिमंडल आया कि महाराज ये राजकाज नहीं चल रहा है, अफरा तफरी फैल गई जनता में, वजीर कहां है? बताया कि वजीर तो भक्ति करने चला गया। और राजा ने सोचा कि उसको लाना चाहिए। राजा ने कहा कि मेरी पग्गी निकालो,
मेरा रथ निकालो। अब राजा बैठा तो रानियों ने कहा कि महाराज हम भी चलेंगे, शायद आपके कहने से ना आए, थोड़ा हम भी कहेंगे। अब जब राजा रानियां रथ में चली तो पीछे सेना, सेनापति, मंत्रिमंडल सारे पीछे पीछे। अब उस कुटिया के द्वार पर खड़े हैं जहां पर वो वजीर ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है, और जाकर उससे कहा कि अरे तुम यहां, अरे कहां इतना महल, राजकाज, नौकर चाकर वो सब छोड़ छाड़ के तुम यहां मच्छर में पड़े हो, जंगल में पड़े हो, क्या मिला तुम्हें यहां आके? उन्हें कहा महाराज सच बताऊं कि मुझे क्या मिला? मुझे यह मिला कि मैंने 24 साल तेरी नौकरी की और तेरे द्वार पर खड़ा रहता था घंटों सुबह से शाम तक, और तू अंदर से बाहर नहीं आता था, और मैं आज मुझे 26वां दिन है, और आज आप, आपकी रानियां, आपका मंत्रिमंडल, आपके सेनापति, ये उस भजन का प्रभाव है जो आज 6x6 की फुटिया पर खड़े थे। ये प्रभाव है शब्द का, ये प्रभाव है नाम का। जो लोग शब्द को समझते हैं, शब्द के आने जाने को समझते हैं, जो श्वास को समझते हैं, प्रेमियों उनके लिए श्री गुरु महाराज जी सदा ही उनके संग हैं। एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं। हम सुबह सुबह गाते हैं कि मेरे अंग संग सतगुरु सतगुरु सतगुरु, वो हमारे अंग संग ही हैं। जब तक श्वास चल रहा है, श्वास में वो आवागमन करता है, और अगर बैठकर भजन करें तो ये समझो कि सबसे नजदीक हम ही हैं श्री गुरु महाराज जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय तो संपूर्ण हुआ, 1 मिनट अभी रहता है, और मैं स्वामी जी से पहले ही कहा कि 9 मिनट में समाप्त करूंगा, तो मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, बड़े जोर से बोलिए जयकारा बोल मेरे।